गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश के क्लास 12th के जो राइटिंग पार्ट है उसको सीख रहे हैं, जिस क्रम में हमने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिप्लाई राइटिंग ये टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे पिछले कुछ लेक्चर्स में। पिछले दो वीडियो जो मैंने पोस्टर राइटिंग पे अपलोड किए हैं निसंदेह आपको समझ में आए होंगे। अगर वो पहले के वीडियो आप देख चुके हैं और अगर नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से पहले उनको आप देखें। उसी पोस्टर राइटिंग में आपको कुछ मैंने जो की पॉइंट्स बताए थे, जो की वर्ड्स बताए थे, मैंने कहा था हाईलाइट द टाइटल राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स और इन ब्लॉक लेटर्स। मैंने कहा था उनको आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हुए आप जो भी उसका टाइटल जो शीर्षक है उसको हाईलाइट करेंगे। मैंने आपको कहा था योर पोस्टर शुड बी कैची, या कह सकते हैं कि पोस्टर शुड बी अट्रैक्टिव, जिससे कि इस प्रकार का पोस्टर आपका होना चाहिए जो कि किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये ही है। मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक, यानी टॉपिक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी टाइटल, उस टाइटल के अनुसार आप कुछ स्लोगन भी लिख सकते हैं। स्लोगन मैंने आपको बताया था जिसको हम हिंदी में कहते हैं नारा, ठीक है। और उसी टाइटल के अनुसार आप अगर बना सकते हैं तो एक काम और करना है कि आपको कोई ड्राइंग, ठीक है, उस टाइटल से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित एक छोटी सी ड्राइंग, जैसा कि हमने पिछला जो वीडियो था जो अपलोड किया था उसमें एक छोटी सी ड्राइंग बनाने का प्रयास किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि नहीं आपको करना ही होगा, ये आपके स्किल पे, आपके कौशल पे, आपकी योग्यता पे निर्भर है। अगर आप नहीं भी बना पाते हैं तो उसको आप ना बनाएं, क्योंकि आप अगर बनाने का प्रयास करेंगे आपकी ड्राइंग गलत हो जाएगी तो हो सकता है कि जो अभी तक आपका पूरा ही पोस्टर जो अट्रैक्टिव लग रहा था, हो सकता है उस गलत या खराब एक ड्राइंग के कारण वो अट्रैक्टिव ना रहे। तो ये कोई बाध्यता नहीं है, आप अगर चाहें, अगर आप उसमें एबल हैं, सक्षम हैं तो आप बनाएं, अन्यथा उसको ना बनाएं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो टॉपिक है आपको पहले ही मैंने बता दिया, वो है पोस्टर राइटिंग, आप कह सकते हैं पोस्टर डिजाइनिंग, ठीक है। और पोस्टर डिजाइनिंग का एक एग्जांपल आप पहले ही पढ़ चुके थे, एक अगला एग्जांपल आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछला एग्जांपल पढ़ा था या इसके जो भी रूल्स पढ़े थे वो आपको समझ में आए होंगे। बहुत से बच्चों ने उसको काफी लाइक भी किया है, और आप उसको अगर समझ में नहीं आया है तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और एग्जांपल आपके सामने लाए हैं, और मैं आपसे ये एडवाइस करता हूं, आपको ये सलाह देता हूं कि आपको, मैं तो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल करा रहा हूं, लेकिन आप भी एक प्रयास ये करें कि आप अपने इस पूरे ही टॉपिक को पढ़ने के बाद घर पे कुछ एग्जांपल जो है वो अटेम्प्ट करते रहें, जिससे कि आपको उसके लिखने की जो एक हैबिट है किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना, वो आपकी डेवलप हो जाए। तो हम आज एक टॉपिक लेते हैं, देखें, डिजाइन डिजाइन अ पोस्टर। आपको बताया है डिजाइन करना, बनाना, प्रारूप को तैयार करना, डिजाइन अ पोस्टर ऑन वॉटर कंजर्वेशन।
वाटर कंजर्वेशन, वाटर यानी जल, और कंजर्व करना उसको संरक्षित करना है, वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण, ठीक है ना। इश्यूड इश्यू यानी जारी करना, इश्यूड बाई जयपुर जल बोर्ड जयपुर, किसके द्वारा जारी, जयपुर जल बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी वाटर कंजर्वेशन पर एक जो पोस्टर है वो लिखे हैं किसके लिए, टू क्रिएट या कह सकते हैं स्प्रेड, टू क्रिएट, क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, स्प्रेड यानी फैलाने के लिए अवेयरनेस अबाउट अबाउट मीन्स ऑफ कंजर्विंग वाटर, ठीक है ना, अबाउट मीन्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। एक बार इसको समझ लेते हैं, कंजर्विंग वाटर को आप कैसे समझ सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सेविंग वाटर, वही बात है, पानी को सुरक्षित करना, ठीक है, सेव करना या फिर उसको कंजर्व करना। हम देख लेते हैं डिजाइन ऑफ पोस्टर, यानी हमें एक पोस्टर तैयार करना है ऑन वाटर कंजर्वेशन, किस पे, जल के संरक्षण पे, जल को संरक्षित करने पे, जल को सुरक्षित करने पे। इश्यूड बाई जो किसके द्वारा जारी किया गया है, जयपुर जल बोर्ड जयपुर के द्वारा, ठीक है। टू क्रिएट स्प्रेड, क्रिएट करने के लिए, स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, अवेयरनेस यानी जागरूकता, अबाउट मीन्स ऑफ सेविंग वाटर, अबाउट मीन्स ऑफ कंजर्विंग वाटर, ठीक है। तो इस पे आपको एक पोस्टर बनाना है, इस पे जो आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इससे संबंधित जो भी हमारे स्लोगन है वो हमें लिखने हैं, इससे संबंधित हम जो ड्राइंग बना सकते हैं वो ड्राइंग भी हमें बनानी है, हमारा जो पूरा ही बॉक्स है उस पूरे ही बॉक्स का सही तरीके से यूज भी करना है, उसका यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक तरफ लिख देंगे एक तरफ खाली रहेगा, और लास्ट में यहाँ पे जो एक बॉक्स बनता है वो किसके द्वारा जारी हुआ है, तो ये सीधा आ जाएगा इसी बाई जयपुर जल बोर्ड जयपुर, ठीक है ना, ये टॉपिक आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम देखते हैं इसका किस प्रकार से एग्जाम्पल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक पोस्टर तैयार किया जाए जिसका टॉपिक क्या है, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है एक बॉक्स बनाना। तो इस प्रकार से बॉक्स भी आपका इस प्रकार से बना हो जो पेज के बीच में हो, ठीक है, पहले भी इसके बारे में मैंने चर्चा की हुई है। इस प्रकार से इसको बनाएंगे ताकि आपका पेज के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना, एक किनारे पर नहीं, उसका पेज का सही उपयोग जो है करना हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे की लाइन तो भले ही आप बाद में भी खींच दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो हाईलाइट दी टाइटल बाय राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स, ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि हमारे मन में ये प्रश्न एकदम से आएगा कि व्हाट शुड बी दी टाइटल ऑफ दी पोस्टर, कि पोस्टर का टाइटल क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान काम है, हम देख रहे थे कि हमारा जो टॉपिक था मोस्टली केसेस में आपके क्वेश्चन में उस टाइटल को दे रखा होगा, तो हमारा टाइटल है वाटर कंजर्वेशन, क्या है, वाटर
कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। तो यहां लिख देंगे वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, जल संरक्षण। इस प्रकार से उसको चाहो तो आप हाईलाइट कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये तो आपका एक चीज तो आप कंफर्म हो जाओ कि आपको टाइटल लिखने में, टॉपिक ढूंढने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि वो किसके ऊपर लिखना है। तो आपको किसके ऊपर लिखना है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर लिखना है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया वाटर कंजर्वेशन। अब हमें क्या करना है, हम चाहें तो इस प्रकार से यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हाउ टू मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब किस प्रकार से हमें अपना पोस्टर अट्रैक्टिव बनाना है। हम डिजाइन ये भी कर सकते हैं, और आपको बता दें मैंने एक और आपको बताया था तरीका, हम वो भी कर सकते हैं, एक भी गलत नहीं है। मतलब आपका कुल मिलाकर के वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो देखो हम ऐसे भी कर सकते थे, आपको जिसके बारे में मैंने कल बताया था, इस प्रकार से कर दो तो भी ध्यान जाएगा। यहां पे लिख दो सेव वाटर, सेव अर्थ, ठीक है ना, सेव वाटर सेव अर्थ। तो ये क्या किया हमने, इसको एक डिजाइन किया और इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो अब हम वाटर कंजर्वेशन पे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं सजेशन, हम दे रहे हैं सुझाव, और हम सुझाव दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया था प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले कि जब भी हम सुझाव देंगे तो हमें कहना पड़ेगा डूज, क्या कहना पड़ेगा डूज, यानी क्या काम हमें करने हैं और वो कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। तो हम पहले वो काम बता रहे हैं जो हमको करने हैं, देखें काम जो करना है। ये लो पहला पॉइंट, पहला है क्लोज टैप्स आफ्टर यूज, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर हमने देखा है कि हम कहीं सड़क से गुजर रहे होते हैं, कहीं रास्ते से गुजर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि जो टैप, टैप का मतलब क्या होता है, जो टैप होता है, जो नल होता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ नल बोलते हैं। यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको पता रहे, ठीक है, कि नल खुले रहते हैं और लोग यूज भी कर लेते हैं, लेकिन उसको बंद नहीं करते और पानी जो है बर्बाद होता रहता है, फैलता रहता है। तो पहला ही पॉइंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और ये कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल सा काम है। अब जब भी वाटर कंजर्वेशन में आ जाए, सेफ वाटर के ऊपर आ जाए, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तुरंत ही लिख देंगे क्लोज टैप्स आफ्टर यूज, यानी प्रयोग करने के बाद जो भी नल है उनको क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। और क्या है, यूज बकेट्स फॉर बाथरूम, क्या ध्यान रखना है कि यूज बकेट्स फॉर बाथरूम, ऐसा नहीं सीधे नल के हम नीचे नहाने लगते हैं, तो इससे क्या है कि पानी वेस्ट ज्यादा होता है। पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए हमें नहाने के लिए जो बकेट्स होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और भी कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, और यूज वेस्ट वाटर
फॉर वॉशिंग कार्स या बाइक्स, यानी कार को या बाइक को वॉश करने के लिए, धोने के लिए, साफ करने के लिए हम क्या करें कि हमें बिल्कुल ताजे पानी की आवश्यकता थोड़ी, हम क्या कर सकते हैं जो भी वेस्ट पानी है घर में, जो वेस्ट पानी बचा हुआ है थोड़ा सा, उस वेस्ट पानी का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पीने वाला साफ पानी उससे हम कार को धोएं बाइक को धोएं, तो वो भी क्या है एक प्रकार से पानी की वेस्टेज है, एक प्रकार से उसकी बर्बादी है, तो उसको भी हमें रोकना है। और हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट रेन वॉटर थ्रू हार्वेस्टिंग। ठीक है, आपने देखा होगा जो वाटर टैंक हार्वेस्टिंग जो टैंक होते हैं, जो बारिश जब भी होती है तो छत के माध्यम से पाइप लगा करके हम जो पानी को संरक्षित कर लेते हैं, तो वो हमें करना है कि पानी जो वर्षा का जो जल है उसको क्या करना, हमें कलेक्ट कर लेना है किसके माध्यम से, हार्वेस्टिंग के माध्यम से। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, चेक वॉटर टैप्स लीकेज एंड, यानी जो भी वाटर का जो लीकेज है, जो भी टैप्स में लीकेज है, तो हमें क्या करना है कि उस वाटर टैप्स लीकेज को हमें समय पे चेक करना चाहिए। चेक का मतलब यहाँ पे जांच करना नहीं, बल्कि चेक का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, रोकना, उसको हमें समय रहते रोक देना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो हमें करनी है। हम यहाँ पे कर सकते हैं कि डॉन्स क्या नहीं करना हमें, तो एक हो गया डोंट वेस्ट वाटर, कि हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर हम वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, जल को अगर संरक्षित करना चाहते हैं, कि वो क्या है, कट दी ट्रीज। अब एक चीज ध्यान रखना, आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डू नॉट यहाँ नहीं लगाया, डोंट यहाँ नहीं लगाया, तो आप समझ लें कि ये डोंट्स में ही लिखा हुआ, मतलब ये काम आपको नहीं करना है, मतलब व्हाट टू डू क्या करना है इसका मतलब डूज, एंड व्हाट नॉट टू डू और क्या नहीं करना है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डोंट्स हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं करना है, वेस्ट वाटर, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, कट द ट्रीज यानी हमें पेड़ों को काटना नहीं है। हम यहाँ पे भी इस प्रकार से water is real elixir of human life, यानी जल जो है वो मानव जीवन का एक सच्चा अमृत है। तो एक आपने इस प्रकार से कर दिया, आप चाहें तो
इस प्रकार से आप ये डिजाइन भी कर सकते हैं, ये भी आसन। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक यहां पे ये टैब बना दिया, ठीक है, और यहां पे मान लो लिखा दिया है कि वेस्ट वाटर, ठीक है ना, सेव वाटर, सेव अर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं यहां पे, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ का मतलब हो गया जल ही जीवन है। ये हो गया, यहां पर हो गया सेव वाटर सेव अर्थ, यानी आप जल बचाएं, पृथ्वी को बचाएं। व्हाट टू डू, डूज में आ गया, क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। और यहां पे भी लिख दिया वाटर इज रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, एलिक्सर आपको पता होगा अमृत होता है, ठीक है ना, कि जल जो है वो जीवन का सच्चा, मानव जीवन का सच्चा अमृत है। तो इस प्रकार से ये आपका एक यहाँ पे ये जो टॉपिक था वाटर कंजर्वेशन, ये हुआ। अब एक महत्वपूर्ण चीज कि जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वो आपको लिखना है यहां, इश्यूड बाय जयपुर जल बोर्ड जयपुर जल बोर्ड जयपुर। तो इस प्रकार से ये हमारा पोस्टर राइटिंग का एक दूसरा एग्जांपल। इससे पहले हमने COVID-19 से बचाव के लिए क्या अपने उपाय हैं, वो उन उपाय मेजर्स के बारे में हमने इससे पहले एक आपका जो एग्जांपल था, जो वीडियो था, वो अपलोड किया था। ये आपका वाटर के ऊपर एक और एग्जांपल आपका अपलोड किया गया है, और पूर्ण उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से सुनना आया होगा जो हमारा टॉपिक चल रहा है पोस्टर राइटिंग का, ठीक है ना। ये हो गया वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। इस प्रकार से ये कोई आसान सी ड्राइंग है तो हमने बना दी है, ठीक है ना। ये हो गया सेव वाटर सेव अर्थ, ये भी एक स्लोगन है आपका, ये भी स्लोगन है, वाटर इज रियल एलिक्सर ऑफ ह्यूमन लाइफ या लाइफ, ये भी एक आपका स्लोगन, एक नारा है, व्हाट इज लाइफ, जल ही जीवन है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक स्लोगन है। हमें व्हाट टू डू यानी क्या क्या काम करने हैं, क्लोज टैप्स आफ्टर यूज यानी प्रयोग करने के बाद नल को बंद कर दें, यूज बकेट्स फॉर बाथिंग नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करें, यूज वेस्ट वाटर फॉर वॉशिंग कार्स एंड बाइक्स को धोने के लिए, आप जो वेस्ट वाटर है घर से जो बचा हुआ पानी है जो आप यूजलेस है उसका प्रयोग करें, कलेक्ट रेन वाटर थ्रू हार्वेस्टिंग के जरिए आप जो पानी वर्षा के पानी को संरक्षित करें, चेक वाटर टैप्स लीकेज टाइमली, समय समय पे जो पानी टपकता रहता है लीकेज को आप चेक करते हैं। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी तब आप पानी को संरक्षित कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और आप अगर जोड़ना चाहें तो कर सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, एक टॉपिक और आप चाहें यहाँ तो यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। और यहाँ पे तो यह आई गया है कि डू नॉट कट द ट्रीज और डू नॉट वेस्ट वाटर इश्यूड बाई जयपुर जल बोर्ड जयपुर। अब ये आपका एक टॉपिक जो वाटर कंजर्वेशन पे जल संरक्षण में बनके तैयार हो गया है, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले के वीडियो जो पोस्टर राइटिंग के नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने काफ़ी रूल्स भी समझा रखे हैं, इससे पहले भी ये COVID-19 के ऊपर मैंने एक अच्छा सा पोस्टर राइटिंग का काम किया हुआ है, तो वो आपको करना है। आपको डिज़ाइन जो है बहुत अच्छी तरीके से करना है, बस उसमें मुख्य अंक जो है वो फॉर्मेट के भी आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और अब हम अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।